पहाड़ों पर बर्फबारी ने कर्फ्यू लगा दिया है। कहीं लोग बर्फबारी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो कहीं पर गाड़ियां सड़कों में फंसी हुई हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी से नजारा बदला हुआ है। बद्री विशाल के धाम को कौन नहीं पहचानता, आस्था के स्थान को कौन नहीं जानता। उत्तराखंड के चमोली में स्थित ये वही भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ है, जिसे आप पूरे वर्ष फूलों से सजा हुआ और भक्तों से भरा हुआ देखते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ का श्रृंगार बर्फ है। शांति का प्रतीक ये सफेद रंग है। ऐसा लग रहा है जैसे विष्णु के धाम में प्रकृति ने अपनी भेंट पहुँचाई है। यहाँ जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। भगवान बद्री विशाल का मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है। तप्त कुंड से लेकर मंदिर परिसर तक सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी है। बद्रीनाथ धाम में कई फीट बर्फ जमी हुई है। पूरे मंदिर परिसर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहाँ की ये तस्वीरें ऐसी हैं कि देखो तो बस देखते रह जाओ। खूबसूरती ऐसी है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगता है मानो बर्फ की एक खूबसूरत दुनिया है, जहाँ हर तरफ कुदरत का ये सफेद तोहफा नजर आ रहा है। वही बर्फ के बीच बद्री विशाल का खूबसूरत मंदिर है, जो स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। लेकिन उत्तराखंड में भारी बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जनवरी के महीने में इतनी बेहिसाब बर्फ बरसेगी किसी ने सोचा नहीं था। बद्रीनाथ हुआ, हेमकुंड साहिब हुआ, इन जगह पे तो आप जैसे देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है, मतलब जाना ही दुर्लभ हो चुका है। हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ सोचा था कि नया साल है, घूमने जाएंगे, औली में बर्फ़ का मज़ा लेंगे, लेकिन बारिश की वजह से सारा ही हमारा मतलब जो प्लान था वो अभी हमने रोक दिया है।